झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ विधानसभा में दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत व कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार दोनों आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ही दिग्गज नेताओं की छवि अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह की बनी हुई है, जिस पर दोनों ही प्रत्याशियों के लिए मुश्किलों भरा है ये विधानसभा चुनाव। लेकिन भाजपा के लिए ये डगर आसान नहीं होगी। अहलावत के लिए सूरजगढ़ से सीट निकालना अड़चनों से भरा है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व में संतोष अहलावत को वर्तमान विधायक सुभाष पूनिया का टिकट काटकर दिया है, जबकि सुभाष पूनिया झुंझुनू जिले से सातों सीटों में से एकमात्र भाजपा विधायक रहे हैं, जिस कारण सुभाष पूनिया समर्थकों में अंदर खाने काफी रोष पनप रहा है। युवा मोर्चा भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश गजराज की नाराजगी पहले से ही जग जाहिर है, लेकिन गजराज प्रदेश नेतृत्व की भाजपा समझाइश से बागी होने से तो बच गए, लेकिन युवाओं का अंदरूनी गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, जो संतोष अहलावत के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। सूरजगढ़ के नजदीक लगी हुई दूसरी विधानसभा पिलानी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के सामने भाजपा से बगावत कर कैलाश मेघवाल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कैलाश मेघवाल का बागी बनकर चुनाव लड़ना भी सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। ज्ञात रहे कि कैलाश मेघवाल भाजपा के वयोवृद्ध और सूरजगढ़ के 5 बार विधायक चुने गए सुंदरलाल के पुत्र हैं। सुंदरलाल को काका सुंदरलाल के नाम से जाना जाता है, जो राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं और सूरजगढ़ क्षेत्र में उनका काफी दबदबा माना जाता है। इसी वजह से संतोष अहलावत के लिए सूरजगढ़ सीट निकालने में काफी मशक्कत भरा काम होगा। वहीं श्रवण कुमार के 3 प्रत्याशी मैदान में भी डटे हुए हैं। श्रवण कुमार के नाम से ही 3 प्रत्याशी हैं, जो श्रवण कुमार के लिए भी एक चुनौती बने हुए हैं। भाजपा ने ये 3 प्रत्याशी उतारे हैं जो श्रवण कुमार के नाम से हैं। लोगों का कहना है कि इसलिए उतारे गए हैं 3 प्रत्याशी कि श्रवण कुमार के मूल वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके, लेकिन जनचर्चा अनुसार अभी भाजपा का जनाधार इस क्षेत्र में इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा जितना मजबूत श्रवण कुमार का दिखाई दे रहा है। अब ये तो जनता के मन में है कि आखिर 25 तारीख को किसको ताज पहनाया जाएगा।